और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर चिकित्सा मंत्री तक भले ही गंभीर हो, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल प्रबंधन को इससे शायद कोई सरोकार नहीं है। तभी तो एसएमएस अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में स्वाइन फ्लू वार्ड संचालित किया जा रहा है, जबकि ठीक पास में संक्रामक हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करके इसको तैयार किया गया स्वाइन फ्लू वार्ड, जिस पर लटका हुआ है ताला। मौत बनकर उभरे स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार भले ही गंभीर हो, लेकिन राजधानी समेत पूरा राजस्थान स्वाइन फ्लू की चपेट में है। नए साल के शुरुआती 6 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 220 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों खुद बैठक ली, फिर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रोज मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। जब बात एसएमएस अस्पताल प्रशासन की हो तो वहाँ पुराने ढर्रे पर ही काम जारी है। पिछले 9 महीने से स्वाइन फ्लू के लिए अलग से संक्रामक हॉस्पिटल में बनाए गए डेडिकेटेड आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू पर ताले लटके हुए हैं। मौजूदा समय में स्वाइन फ्लू के लिए जो इंतजाम है उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू के मामले फिर सामने आने लगे तो आनन फानन में मुख्य इमरजेंसी के पास ऑब्जर्वेशन वार्ड शुरू कर दिया गया। सैंपल लेने के लिए कॉटेज की तरफ अलग से काउंटर बनाया गया है। सेठिया आईसीयू को डेडिकेटेड घोषित कर दिया गया है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलती है। अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में स्थित इमरजेंसी के पास ही स्वाइन फ्लू ऑब्जर्वेशन वार्ड संचालित किया जा रहा है, जिसमें बाहर की तरफ से रोज सैकड़ों मरीज परिजन निकलते हैं। इस इलाके से गुजरने वालों पर हर समय संक्रमण का खतरा बना रहता है। संक्रामक बीमारियों के खतरे को देखते हुए लाखों रुपए खर्च कर संक्रामक हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। इस विंग में स्वाइन फ्लू के लिए करीब 20 बेड का डेडिकेटेड वार्ड और 6 बेड का आईसीयू लाखों खर्च कर बनाया गया है। इस वार्ड को शुरू नहीं करने के पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि लिफ्ट नहीं है, लेकिन अब लिफ्ट भी लगकर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, तो एकाएक प्रबंधन के स्वर बन गए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में इस आइसोलेशन वार्ड को काम में लिया जाना है। हालांकि अब प्रदेश में नई सरकार ने सत्ता संभाल ली है, जिस तरह सीएम अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्वाइन फ्लू को लेकर चिंतित हैं, उससे उम्मीद यही है कि शायद अब जल्द ही ये डेडिकेटेड स्वाइन फ्लू वार्ड शुरू होगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।